Can we start? Congratulations to the entire team and especially to you, Georgia, making your debut in this film. Shreyas, शायद 10-11-12 साल पहले वेलकम टू सज्जनपुर आई थी फिल्म, हमें उस फिल्म की कितनी याद दिलाएगी या फिर कोई सीक्वल है या उस पर कुछ थोड़ी रोशनी डालना चाहोगे आप? विदाउट माइक, अरे दोनों दोनों बोलता हूँ चाहिए तो एक बार माइक में बोलता हूँ। नहीं, उसका सीक्वल नहीं है दोस्त, वेलकम टू सज्जनपुर का ऑफकोर्स सीक्वल नहीं है, बट कहानी एक गांव से रिलेटेड है और एक एनआरआई से रिलेटेड है और एक एनआरआई का वेलकम करते हैं बेसिकली गांव में। सो देयर इज वन एनआरआई हु कम्स टू इंडिया फॉर अ वेकेशन, अ हॉलिडे, एंड देन शी डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ विलेज विच इज बजरंगपुर। तो इसीलिए वो टाइटल बड़ा ऐप्ट लगा हमें। ऑफ कोर्स वो थोड़ा ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव डन वेलकम टू सज्जनपुर, तो ऐसे लग सकता है कि सीक्वल है क्या है, बट उसका सीक्वल वगैरह नहीं है, उसका उससे कोई टेक्निकली वैसे कोई लेना देना उस कहानी से नहीं है, बट हाँ कहानी का टाइटल और कहानी दोनों का क्या कहते हैं, इट गोज़ विद द स्टोरी, दैट इज़ द रीज़न वी टाइटल्ड इट वेलकम टू बजरंगपुर। बाकी शायद इनको एनकैश करना हो तो पता नहीं। अच्छा जॉर्जिया, वंस अगेन वेलकम टू बॉलीवुड, आई मीन टू से योर डेब्यू फिल्म, व्हाट वाज़ द रीज़न टू साइन दिस फिल्म, लाइक आर यू वेटिंग फॉर सम रियली गुड स्क्रिप्ट, व्हाट वाज़ द रीज़न एक्चुअली, एंड डिड यू टेक अरबाज एडवाइस आल्सो फॉर दिस फिल्म? सो कैन यू हियर मी? या Great. So I decided to take up this project because it is very interesting. Now, I unfortunately can't reveal that much. However, I think it really resonates with me, with my real character, with my real life character. So this is the reason why I decided to take it. अच्छा, आप हिंदी बोलते हो भी नजर आओगे इसमें, and how much have you worked on this character, your language, everything, like, you know? Well, it's been 2.5 years, almost 3 years for me, that I've been working a lot on my dancing skills, on my Hindi, on my language, and on my acting skills. Yeah, so this is how I've been preparing myself for this. ये कहाँ पर शूट होने वाले हैं? अकेला अकेला, और किसी को कोई सवाल ही नहीं, उनको शायद कहानी हमने पहले ही बता दी है, हैं आशीष? नहीं नहीं, ये कहाँ पर शूट होने वाली है, लाइक वेयर आर यू प्लानिंग टू शूट एंड लाइक व्हाट इज योर? साफ सुथरी जगह देख के कैमरा लगा के सब्सिडी फ्रेंडली कंट्रीज में या स्टेट्स में? नहीं नहीं, वो आशीष ही बताए कहाँ शूट करेंगे। आशीष हैदराबाद सर, हैदराबाद में, हैदराबाद में शूट करेंगे इसे, रामोजी में, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडियोज़, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर शूटिंग हम लोग वहीं करेंगे, अनलेस कुछ सीक्वेंसेस अगर थोड़े बाहर के हो तो, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द शूट विल हैपन इन हैदराबाद। एंड कुड यू टॉक समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर, लाइक किस तरह का, यू नो, क्या है आपका कैरेक्टर? एक्चुअली ये कैरेक्टर थोड़ा कैरेक्टरलेस टाइप का इंसान है, फिल्म में थोड़ा सा बदमाश सा है, गांव में ये एक थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा अक्ल है इसमें, ऐसे इसे लगता है कि इसमें थोड़ी सबसे ज़्यादा अक्ल है, एंड थोड़ी छेड़खानियाँ भी करता रहता है, स्पेशली गांव की लड़कियाँ, भाभियाँ वगैरह, तो वैसा थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कैरेक्टरलेस किस्म का इंसान है, बट इवेंचुअली आगे क्या क्या होता है is what the story is, and I think it's a very very interesting plot, and aaj jis tarike ki filme audience pasand kar rahi hai, they all, you know, they look for something very interesting, something very new, kuch naya pan ho, kuch alag pan ho har kahani mein, to wo kahani logo ko chahiye, so you know, when Ashish and Anjumbai came to me with this story, that's what like Georgia just mentioned ki बड़ी अनोखी सी एक कहानी है कि एक लड़की आती है एनआरआई और वो
उसका ऑब्वियसली उसका वो एक काम करती है, उसका एक प्रोफेशन है, और वो एक गांव अडॉप्ट करने का सोचती है. तो वो गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वो अडॉप्ट करने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती है, एंड उसका फिर क्लाइमैक्स में क्या होता है. सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी पिरोई है आशीष ने, एंड दैट इज़ वॉट रियली अपील टू ऑल ऑफ अस. जॉर्जिया, Georgia, first of all, congratulations. My Thank question you. To you is, comedy is a very difficult genre. So, what made you choose this script? What made you choose this project? Because it is a very difficult genre. I love comedy, indeed. Yeah. You know, I really enjoy comedy and acting in a comic way. Like I really enjoy it. मुझे कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए ओके डज़न पता चला फिल्म खत्म होने तक मैं भी छोड़ा ऐसा बात करने लगूंगा, मुझे भी कॉमेडी बहुत पसंद है. हाँ, तुम्हारा इंडियन भगवान मार्स्टर भी है. Oh no, it's not like that at all. Is it something like this? Georgia, actually हमने देखा था आपको कि कैरन कमाक्षी में आप तमिल कि तमिल बोलना है आपको, एंड देन नाउ हिंदी. सो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू तमिल एंड नाउ हिंदी? वेल, आई एज यू कैन इमेजिन तमिल इज मच मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर मी. सो हिंदी, ऑल द पीपल अराउंड मी स्पीक इन हिंदी एंड सच अ ब्यूटिफुल हिंदी एज वेल. सो आई एम वेरी लकी फॉर दैट. एंड या आई मीन तमिल एक हिंदी से एक बड़ा चुनौती है. चुनौती, रिमेंबर द वर्ड. या आशी, आपसे जानना चाहेंगे ये फिल्म किस तरह से डेवलप हुई, और आपने मतलब श्रेयस को जब उनकी पहली फिल्म देखी थी, श्याम बेनेगल जी की फिल्म थी वो, एक्चुअली वेलकम टू सज्जन पूर, जॉर्जिया को आपने लिया है, क्या माइंड में था? एक्चुअली सर, जब हेलो हेलो अरे डायरेक्टर को बोलने दो भाई, भाई भाई ये दे दिया. चेक चेक. हेलो 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 चेक. हेलो चेक चेक. हां चल रहा हूं, चल रहा हूं. हेलो 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 ऐसे ही बोल दे. चलो ओके. एक्चुअली सर, मैं भी एक छोटे से गांव से हूं, और वहां पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो डेवलपमेंट से बहुत दूर है. तो क्या हो सकता है बेटर वहां पे, अगर ऐसा सोचा जाए, तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में आया था. और जब कैरेक्टर लिखे गए हैं, डेवलप किया गया, तो मीन्स जब मैंने किरदार सोचा, तो मुझे मैम सर और बाकी पूरी टीम यही लोग दिखे, और मैं इनके लिए थैंकफुल हूँ. बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड भी फील कर रहा हूँ एक तरह से, कि मैंने जिनको भी स्क्रिप्ट सुनाई, सब लोगों ने दिल से पसंद की और सब लोग जुड़े. तो उसके लिए सबको दिल से थैंक यू. सर 100%. और आपने देखा नहीं, आवाज़ इधर ही दबा दी मैंने. नहीं नहीं यार, जब मैं डायरेक्टर, तो खैर मैंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की है, दूसरी अब करने जा रहा हूँ, तो मैं अभी भी अपने आप को एक्टर ही कंसिडर करता हूँ, और वही अच्छा है. सेट पे आराम से जाओ, जो डायरेक्टर बोले वो चुपचाप सुनो और अपना काम करो. हेलो हेलो यस. सर बिल्कुल प्लान है. सबसे पहले एक मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ जाए सर, आगे और भी करेंगे सर, आगे करना ही है. Can you hear me? Hello. Many things in the pipeline. I've been hearing for many narrations as of now. This is my next project. When something, it's, you know, when I'll confirm something, then I'll definitely be with you again. And what about Dabang 3? We've heard that you'll be seen. So is it true or not? No, like, right.
No, see, not in this dubbing. Hello. Maybe one day I'll be part of the franchising, but not in this dubbing. You'll see me here, though. Bajrang. Yes. Bajrang. Bajrang one. Hello. 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 Check. Hello. Hello. अरबी में लैंग्वेज में तो उसने कहा नो ही इज अ इंडियन एक्टर ही से आ आ आ है सेल्फी वो बिकॉज ऑफ दिस फेस एंड रियली अप्रिशिएट एंटायर यूनिट एंड भाई साहब आपने अभी आप पूछा था हिंदी बात कर सकते हैं ये फिल्म में हम लोग को हिंदी नहीं चाहिए ओनली इंग्लिश और उन्होंने इंग्लिश में बात करेंगे उसका मतलब ये बोलेगा मूवी में उसको ट्रांसलेट करने की चुनौती मेरे ऊपर यस सब टाइटल नीचे आए और बाकी जो गांव में जो शूटिंग होता है मूवी का जो कैरेक्टर है एंड रियली अप्रिशिएट माय डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स एंटायर टीम ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू दिस इज 100% सुपर डुपर हिट होगा होएगा भी अच्छा ब्रह्मानंद सर भी इसमें दिख सकते हैं क्योंकि आप लोग दोनों की जोड़ी देखा जाए तो कमाल की जोड़ी है और हिट जोड़ी हम बोल सकते हैं जो भी फिल्म है वो सभी के सभी हिट ही रहती है शायद होएगी
हाँ फिलहाल तो अभी नहीं है, तो डेफिनेटली तो है तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। अंजुम सर, आपने बहुत दिनों के बाद कमबैक किया है एक बार फिर से, तो इस बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में आप कुछ बताएं। या कौन सर, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मेरे हाथ आई, आशीष ने मेरी कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि यार इस पर कुछ करना चाहिए। Later, but I don't know, whenever a nice narration comes to us and if we both like it, then definitely. Of course, he's a veteran in this industry, so I definitely ask him how things work. What works in a Hindi film, because I come from another country, right? So yeah, I ask him many questions about, you know, how do what works in a film, what does a film do well, what makes a film do well in Bollywood. He's a veteran, so. उनकी पहली फिल्म सर, हाँ नहीं, आप कुछ मिस नहीं कर रहे, आपने सब पूछ लिया। मुझे तो लगा था कि अरबाज भाई और जॉर्जिया के क्या कहते हैं फिल्मी कॉन्वर्जेशन के बाद अब और भी पूछेगा। अच्छा, बाकी कॉन्वर्जेशन आप क्या करें, वो रह गया खाली बड़े क्या। आशीष हेलो, अंजुम भाई यार, अंजुम भाई गेम नॉट ऑफ ड्राफ्ट। अंजुम सर ये रेडी सेट, सो दैट्स सम वर्किंग। चलो रेडी। संजय सर कैसे हैं आप? गुड गुड गुड, लेट्स स्टार्ट। यप, who's asking questions? Arvind ji, acha sabse pehle shuru karte hain sir aap se hi, ek apne character ke bare mein halka sa brief de diye, kis tarike ka kirdar hai? तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रेस कॉन ऑफ वेलकम टू बजरंगपुर। ये फिल्म जैसे आपको हमने बताया कि एक
ऐसी कहानी है कि जहाँ पे एक गांव है बजरंगपुर नाम का, और वहाँ पे एक NRI लड़की जो हिंदुस्तान में वेकेशन के लिए आई है, वो अचानक डिसाइड करती है कि मैं इस गांव को अब अडॉप्ट कर लूँगी, और उसके बाद में उस गांव में क्या क्या लोगों की रिएक्शंस कैसे होती है, क्या क्या हलचल होती है। तो ऑब्वियसली कॉमेडी भी होगी इस फिल्म में, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसके साथ आई एम श्योर हर एक बंदा हिंदुस्तान का कनेक्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा। इसमें मेरा जो किरदार है वो एक ऐसे बंदे का है जो वैसे तो थोड़ा कैरेक्टरलेस किस्म का है, जो थोड़ा सा बदमाश है लड़कियों की वगैरह, थोड़ा छेड़खानी करता है। मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है किरदार, तो मेरे लिए थोड़ा नया होगा। सो बट उसके बाद जब वो NRI आती है, और उसके बाद ये एक थोड़ा सा वैसे पढ़ा लिखा बंदा है गाँव में जिससे सब लोग वैसे नफरत करते हैं, बट जब वो आती है तो इसी के पास मदद के लिए भागते हैं, और फिर ये क्या क्या गुल खिलाता है वहाँ पे इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज गोइंग टू बी। बट या थैंक यू वंस अगेन आशीष, थैंक यू अंजुम भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर द पर्टिकुलर पार्ट। थैंक्स। Right. So as Shreyas was mentioning, I'm an NRI that comes on a holiday to India and decides to adopt a whole village. So the whole story revolves about how all the villagers react to the presence of this girl in the village. Sanjay sir. Yes, sir. Thank you so much for. Thanks. Aap logo. Could you just brief little about kya kahani hai, kis tarike ka kirdar hai, kya naya banane wala is baar? Shreyas ne bata hi diya hai. Ek gaon hai, zinda hai sab log, rehte hain. So ekaek gaon ki takdeer badalti hai kisi ke aa jaane se. Ab dekhna hai ki kaise takdeer badalti hai. Is picture mein Anjum bhai ke saath ye meri shayad teesri picture hote hote bach gayi. वेडनेसडे में मैं होने वाला था, लेकिन मैं इनके चरस में था, इसमें था, इसमें हूँ, और एक किरदार मुखिया का है, इस गांव के मुखिया का है, श्रेष्ठ ट्रांसलेटर है, मतलब इनसे कैसे कनेक्शन किया जाए वही बताते हैं, और भी बहुत सारे कनिका हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक पूरे गाँव का एक कैरेक्टर है, उस पूरे गांव का कैरेक्टर है जिसमें अतरंगी अतरंगी लोग हैं, और मैडम आ जाती हैं गोद लेने का भूत सवार होता है इनको, और उसके बाद जो हम लोगों पे भूत चढ़ता है कि वाकई गोद लेंगी क्या। तो ऐसा क्या है आशीष, फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर, मैं हमेशा से कहता हूँ कि नए लोगों के साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि आप उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो आपको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उम्मीद है बहुत बेहतरीन और एक मजेदार मैसेज के साथ, मजबूत मैसेज के साथ हम आपके सामने आएंगे अगले साल। संजय जी, हमेशा आपके किरदार में कुछ नयापन होता है, जैसे आप कुछ डायलॉग रहते हैं, इंग्लिश बोलोगे तो कुछ अलग स्पेलिंग, इसलिए इस तरह कुछ कैरेक्टर को डेवलप किया? ये किरदार जब कैमरा ऑन होता है तभी मैं बना पाता हूँ, अभी तो क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सरप्राइज तो हमारे लिए भी रहेगा। हाँ ये अली अच्छा है, ये बोल रहे हैं, चलो ओके अच्छा ओके। एक्चुअली संजय भाई की खासियत वही है कि वो खुद इतने, मतलब उनका टाइमिंग तो खैर अच्छा है ही, बट इतने विटी है कि डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट ऐसा नहीं कि सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दे, यू नो, सामने वाले को भी साथ में ले लेके वो चलते रहते हैं, एंड दैट इज़ वॉट इज़ one of the best qualities about Sanjay bhai. Hum logon ne zyada tar saath hi kaam kiya hua hai, maine Shreyas ne to kafi kar liya, yeah. Abhi last Lion King thi hamari, yeah. Georgia ke saath bhi ek film hum kar chuke hain London mein. Jo Ashish first time hai, Kanika first time hai, Anjum bhai bhi hum log saath kar chuke hain, to chemistry achhi hogi. सबका प्यार था, अच्छे मेहनत से मैंने किया था, अच्छे दिल से किया था, लोगों ने उतने ही दिल से पसंद किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मशक्कत नहीं करनी पड़ी, दिल से सबको पसंद है, सब लोग दिल से। नहीं, आपने जैसे पूछा ना, मशक्कत इनको बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने जो कहानी सुनाई ना वही इतनी स्ट्रांग है कि हम सब ने कहानी सुनते ही इमीडिएटली हाँ कर दिया, एंड लाइक यू सेड कि ऑल ऑफ अस आर अ लिटिल
yes, a little selective about certain films. तो कहानी अगर आपको ऐसी लगती है कि यार इसमें दम है और ये कुछ अच्छा हो सकता है, तभी आप सोचते हो कि नहीं, I want to be a part of it. So it was exactly that, कि the concept itself is very strong and very very today and very relative. So I think for as far as I'm concerned, कहानी ने मेरा दिल जीत लिया था. दिलजीत ने नहीं, रिलेट तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो मैसेज एट द एंड ऑफ द फिल्म है वो ऐसा है जो हर एक के अंदर बसा हुआ है. यू नो, वो चीज़ जो हम फिल्म में दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बाहर आती है, तो वो हर एक बंदा, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो हर एक बंदा हिंदुस्तानी जो है वो रिलेट करेगा, क्योंकि वी नो दैट वी आर लाइक दैट. यू नो, सो हम किस तरीके से सोचते हैं और किस सोच को हमें बदलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे. संजय सर, जी अली सर, हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े इज्जत की बात है और एक बेहतरीन केमिस्ट्री निकलेगी हम सबों के बीच में. देखते हैं क्या निकलता है. अली सर कहाँ है? अली सर, यस अली सर, आप आलामाल वीकली में वो जो लॉटरी लगता है आपको? नहीं 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 नो 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 दैट्स राजपाल. राजपाल, यस. अच्छा, वो कैरेक्टर तेलुगु में मेकअप किया है, राइट? तो वैसा कैरेक्टर है, वो सब आर्टिस्ट बात करते हैं, ये सिर्फ इसका एक्सप्रेशन एक ही है, इसको लॉटरी लग गया, वो लॉटरी में इसका हार्ट अटैक आ गया, मर गया, तो हंसते मर जाता है, उसके हाथ पे लॉटरी रहेगा, तो उसको निकाले तो आधा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको संभाल के निकालना है. वो कैरेक्टर में करते हुए सोचा, अरे बहुत अच्छा किया, मैं इतना मूवीज में काम किया तो मैं भी और अच्छा करना चाहिए. तो ये फिल्म में इतना बड़ा कॉम्बिनेशन में मेरे को चांस मिला. अभी क्या है, हम लोग लाइन में खड़े खड़े हैं, एक बार डोर ओपन होते ही भागो, ऐसा है ये फिल्म. और ये फिल्म स्टोरी ऐसा है कि अगर एक कोई शॉप में गए एक चीज़ लेने के लिए, तो चार पांच देख के हाँ ये लेंगे, ऐसा नहीं है. एंटर होती हाँ ये चीज़ पसंद है, वो कहानी है ये वेलकम टू बजरंगपुर. सो डेफिनेटली जो मूवी रिलीज के बाद हर एक बंदा अप्रिशिएट करेगा, डायरेक्टर को, एक्टर को, राइटर को, हीरोइन को. मैं उसमें कांस्टेबल कैरेक्टर है और अब्बास भाई के साथ काम किया है, और शरद जी भी उसमें काम करके हैं, तो वो हमारे एसपी साहब हैं और मैं कांस्टेबल, दो दिन का काम है और अच्छा कैरेक्टर है. तो फिल्म देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा. यस, सुपर. इसके बारे में स्टोरी बोले तो डायरेक्टर मेरे को मारेगा. ये फिल्म तो आप रिलीज होने के बाद सवाल पूछो, मैं बोलूँगा क्या. Can you come, what are you to say about your character? You are first of all, namaste to all of you, and I'm so blessed. आप सब देख सकते हो कितने दिग्गज कलाकारों के साथ मुझे अपनी पहली मूवी करने का मौका मिला है, तो मतलब आई एम सो एक्साइटेड. आई एम प्लेइंग रिपोर्टर रोल इन दिस मूवी, सो आई विल डू माय बेस्ट. और मुझे पक्का यकीन है कि मैं इन सब से बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, और मेरा पहला मूवी बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है, तो मतलब पॉलिशिंग जम के हो जाएगी मेरे पहले प्रोजेक्ट में. सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्स टू आशीष सर एंड अंजुम सर ऑल्सो एंड all full team, thanks a lot and all the very best. First film hai Bollywood ka, Bollywood mein, yes. Payment baat kar liya mere ye log ke paas bahut sikhna cha raha hu main, to hum free mein nahi sikhayenge, ab kuch to de dungi, main de dungi, main de dungi. Thank you so much. Thank you. In and as Bajrang. That was a good one. No, sir. No.
कल मैंने देखा क्या आ रही है ओके एक अगर आप फिश दे देंगे पाँच सौ पचासवां जन्म दिवस है गुरु नानक जी का सर बोलिए पाँच सौ पचासवें जयंती के लिए गुरु नानक जयंती के लिए हम पूरे यूनिट की तरफ से सबको शुभकामनाएं और बधाई आने वाला साल अच्छा हो पूरी दुनिया का पॉल्यूशन फ्री I would definitely associate it to what he has said. सभी को जैसे संजय भाई ने कहा कि आने वाला साल सबसे पहले तो गुरु नानक जयंती की सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं और ये आने वाला साल सभी के लिए सुखमय हो अच्छा हो प्रोग्रेसिव हो प्रॉफिटेबल हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोल्यूशन फ्री थैंक यू भाई आ देखिए Good. Sir? Yep. Who's asking questions? Arvind. अच्छा सबसे पहले शुरू करते हैं सर आपसे ही अपने कैरेक्टर के बारे में हल्का सा ब्रीफ दे दीजिए किस तरीके का किरदार है तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रेस कॉन ऑफ वेलकम टू बजरंगपुर ये फिल्म जैसे आपको हमने बताया कि एक ऐसी कहानी है कि जहाँ पे एक गांव है बजरंगपुर नाम का और वहाँ पे एक एनआरआई लड़की जो हिंदुस्तान में वेकेशन के लिए आई है वो अचानक डिसाइड करती है कि मैं इस गांव को अब अडॉप्ट कर लूँगी और उसके बाद में उस गांव में क्या क्या लोगों की रिएक्शंस कैसे होती है क्या क्या हलचल होती है तो ऑब्वियसली कॉमेडी भी होगी इस फिल्म में लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसके साथ आई एम श्योर हर एक बंदा हिंदुस्तान का कनेक्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा इसमें मेरा जो किरदार है वो एक ऐसे बंदे का है जो वैसे तो थोड़ा कैरेक्टरलेस किस्म का है थोड़ा सा बदमाश है लड़कियों की वगैरह थोड़ा छेड़खानी करता है मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है किरदार तो मेरे लिए थोड़ा नया होगा सो बट उसके बाद जब वो एनआरआई आती है और उसके बाद ये एक थोड़ा सा वैसे पढ़ा लिखा बंदा है गांव में जिससे सब लोग वैसे नफरत करते हैं बट जब वो आती है तो इसी के पास मदद के लिए भागते हैं और फिर ये क्या क्या गुल खिलाता है वहाँ पे इज़ व्हाट माय कैरेक्टर इज गोइंग टू बी बट या थैंक यू वंस अगेन आशीष थैंक यू अंजुम भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर द पर्टिकुलर पार्ट थैंक्स जॉर्ज नाउ यू ब्रीफ अस अबाउट द कैरेक्टर व्हाट यू पोर्ट्रेइंग इन द फिल्म राइट सो एज श्रेयस वाज मेंशनिंग आई एम एन एनआरआई दैट कम्स ऑन अ हॉलिडे टू इंडिया एंड डिसाइड्स टू adopt a whole village so the whole story revolves about how all the villagers react to the presence of this girl in the village Sanjay sir ji sir thank you so much for thanks aap log could you just brief little about kya kahani hai kis tarike ka kirdar hai kya naya banane wala is baar shresh ne bata hi diya hai ek gaon hai जिंदा हैं सब लोग रहते हैं सो एकाएक गांव की तकदीर बदलती है किसी के आ जाने से
अब देखना है कि कैसे तकदीर बदलती है। इस पिक्चर में अंजुम भाई के साथ ये मेरी शायद तीसरी पिक्चर होते होते बच गई। वेडनेसडे में मैं होने वाला था, लेकिन मैं इनके चरस में था, इसमें था, इसमें हूँ, और एक किरदार मुखिया का है, इस गांव के मुखिया का है, श्रेष्ठ ट्रांसलेटर हैं, मतलब इनसे कैसे कनेक्शन किया जाए वही बताते हैं, और भी बहुत सारे कनिका हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक पूरे गांव का एक कैरेक्टर है, उस पूरे गांव का कैरेक्टर है जिसमें अतरंगी अतरंगी लोग हैं, और मैडम आ जाती हैं, गोद लेने का भूत सवार होता है इनको, और उसके बाद जो हम लोगों पे भूत चढ़ता है कि वाकई गोद लेंगी क्या तो ऐसा सा है। आशीष फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर, मैं हमेशा से कहता हूँ कि नए लोगों के साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि आप उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो आपको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उम्मीद है बहुत बेहतरीन और एक मज़ेदार मैसेज के साथ, मजबूत मैसेज के साथ हम आपके सामने आएंगे अगले साल। संजय जी, हमेशा आपके किरदार में कुछ नयापन होता है, जैसे आपके कोई डायलॉग रहते हैं या इंग्लिश बोलोगे तो कुछ अलग स्पेलिंग बोलोगे, इसमें इस तरह कुछ कैरेक्टर को डेवलप किया? ये किरदार जब कैमरा ऑन होता है तभी मैं बना पाता हूँ, अभी तो क्या बताऊँ, पता नहीं क्या हो जाएगा तो हमारे लिए भी रहेगा। हाँ, अली है, अली ये बोल रहे हैं, चलो अच्छा ओके। एक्चुअली संजय भाई की खासियत वही है कि वो खुद इतने, मतलब उनका टाइमिंग तो खैर अच्छा है ही, बट इतने विटी है कि डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट ऐसा नहीं कि सामने वाले को अनकम्फर्टेबल कर दे, यू नो, सामने वाले को भी साथ में ले लेके वो चलते रहते हैं, एंड दैट इज़ वॉट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ अबाउट संजय भाई। हम लोगों ने ज़्यादातर साथ ही काम किया हुआ, मैंने श्रेयस ने तो काफ़ी कर लिया, अभी लास्ट लॉयन किंग थी हमारी, जॉर्जिया के साथ भी एक फिल्म हम कर चुके हैं लंदन में, आशीष फर्स्ट टाइम है, कनिका फर्स्ट टाइम है, अंजुम भाई भी हम लोग साथ कर चुके हैं, तो केमिस्ट्री अच्छी होगी। मशक्कत इनको बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने जो कहानी सुनाई ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सब ने कहानी सुनते ही इमीडिएटली हाँ कर दी, एंड लाइक यू सेड कि ऑल ऑफ अस आर अ लिटिल, यस, अ लिटिल सेलेक्टिव अबाउट सर्टेन फिल्म्स, तो कहानी अगर आपको ऐसी लगती है कि यार इसमें दम है और ये कुछ अच्छा हो सकता है, तभी आप सोचते हो कि नहीं भी आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो इट वाज एग्जैक्टली दैट कि द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी टुडे एंड वेरी रिलेटिव, सो आई थिंक फॉर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड कहानी ने मेरा दिल जीत लिया। नहीं, रिलेट तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो मैसेज एट द एंड ऑफ द फिल्म है वो ऐसा है जो हर एक के अंदर बसा हुआ है, यू नो, वो चीज़ जो हम फिल्म में दिखाने की कोशिश करेंगे जो बाहर आती है, तो वो हर एक बंदा, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो हर एक बंदा हिंदुस्तानी जो है वो रिलेट करेगा, क्योंकि वी नो दैट वी आर लाइक दैट, यू नो, सो हम किस तरीके से सोचते हैं और किस सोच को हमें बदलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। संजय सर, हम आपको बॉलीवुड का किंग बोल सकते हैं कॉमेडी में, तो वहाँ पे साउथ के किंग है इन कॉमेडी, क्या कहना चाहेंगे? अली सर हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े इज्जत की बात है, और एक बेहतरीन केमिस्ट्री निकलेगी हम सबों के बीच में, देखते हैं क्या निकलता है। अली सर कहाँ है? अली सर, यस अली, सर आप मालामाल बिकली में वो जो लॉटरी लगता है? नहीं 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 नो 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 दैट्स राजपाल, यस। वो कैरेक्टर तेलुगु में कब किया? तो ऐसा कैरेक्टर है, वो सब आर्टिस्ट बात करते हैं, ये सिर्फ इसका एक्सप्रेशन यही किया है, इसको लॉटरी लग गया, वो लॉटरी में इसका हार्ट अटैक आ गया, मर गया, वो हंसते मर जाता है, उसके हाथ पे लॉटरी रहेगा, तो उसको निकाले तो आधा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको संभाल के निकालना है,
वो कैरेक्टर में करके सोचा अरे बहुत अच्छा किया, मैं इतना मूवीज में काम किया तो मैं भी और अच्छा करना चाहिए। तो ये फिल्म में इतना बड़ा कॉम्बिनेशन में मेरे को चांस मिला। अभी क्या हम लोग लाइन में खड़े घोड़े हैं, एक बार डोर ओपन होते ही भागो, ऐसा है ये फिल्म। और ये फिल्म स्टोरी ऐसा है कि अगर एक कोई शॉप में गए एक चीज़ लेने के लिए तो चार पांच देख के हाँ ये लेंगे, ऐसा नहीं है। एंटर होती हाँ ये चीज़ पसंद है, वो कहानी है ये वेलकम टू बजरंग। यस डेफिनेटली जो मूवी रिलीज के बाद हर एक बंदा अप्रिशिएट करेगा डायरेक्टर को, एक्टर को, राइटर को, हीरोइन को एंड प्रोड्यूसर। और दबंग के बारे में क्या कहने चाहेंगे, आ रही है काफी बज है दबंग का, दबंग का दबंग के बारे में क्या कहने चाहेंगे? हां 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 आप तक ये फिल्म पहुंची? ये फिल्म तो आप प्रोड्यूस होने के बाद ऐसा सवाल पूछो मैं बोलूंगा क्या। कनिका, व्हाट हैव यू टू से अबाउट योर कैरेक्टर? यू आर आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम सो ब्लेस्ड। आप सब देख सकते हो कितने दिग्गज कलाकारों के साथ मुझे अपनी पहली मूवी करने का मौका मिला है, तो मतलब आई एम सो एक्साइटेड। आई एम प्लेइंग द रोल इन दिस मूवी, सो आई विल डू माय बेस्ट। और मुझे पक्का यकीन है कि मैं इन सबसे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ और मेरा पहला मूवी बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है, तो मतलब पॉलिसिंग जम की हो जाएगी मेरे पहले प्रोजेक्ट में। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्स टू आशीष सर एंड अंजुम सर ऑल्सो एंड ऑल फुल टीम, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बॉलीवुड पेमेंट बात कर लिया मैंने ये लोग के पास बहुत सीखना चाह रहा हूँ, तो हम फ्री में नहीं सिखाएंगे ये लोग के पास। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स। हाय सर, कैसे हो? गुड ग्रेट। कल मैंने देखा तेरा काम। जयंती आई उसके लिए अगर आप क्या आ रही है गुरु नानक जयंती हो, एक अगर आप विश दे रहे थे आप तीनों 550वां जन्मदिवस है, 550वां जन्म दिवस है गुरु नानक जी का, क्या विश देना चाहिए? सर बोलिए सर, 550वें जयंती के लिए, गुरु नानक जयंती के लिए हम पूरे यूनिट की तरफ से सबको शुभकामनाएं और बधाई। आने वाला साल अच्छा हो पूरी दुनिया का, पॉल्यूशन फ्री। I would definitely associate to what he has said. सभी को जैसे संजय भाई ने कहा कि आने वाला साल सबसे पहले तो गुरु नानक जयंती की सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और आने वाला साल सभी के लिए सुखमय हो, अच्छा हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रॉफिटेबल हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोल्यूशन फ्री। थैंक यू थैंक यू। इंटरप्रेट करके।